हे केशव, ये भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, ये भी सत्य है। जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, ये भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है। तो ये सिद्ध हो गया कि आप निराकार भी हैं और साकार भी हैं। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है, तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूछता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। जिन्हें इन मूर्तियों में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता, वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है, कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है। हे अर्जुन, मेरे भक्त बड़े अनोखे और निराले हैं। कोई मुझे अपना पिता मानकर मुझसे बेटे का रिश्ता जोड़ लेता है, तो कोई मुझे माता मानता है, तो कोई मुझे सखा मानता है, तो कोई मुझसे प्रेम का नाता जोड़ लेता है। जैसे गोकुल की गोपियां जो मेरे प्रेम में संसार की सारी रीत रिवाजों को भूल जाती हैं, उनकी आंखों में, उनके मन में हर जगह हर समय मेरा ही रूप समाया होता है। कई सिद्ध साधु मुझसे प्रेम करने के लिए गोपियों के रूप में बार बार जन्म लेते हैं। मैं सब भक्तों को उनकी भक्ति का बदला उनके मन चाहे रूप में देता हूँ। मैं उनका पिता भी हूँ, माता भी हूँ, सखा भी हूँ, और प्रीतम भी मैं ही हूँ। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना, जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।